अपने आचरण से धर्म की स्थापना करते हैं उन्हें किसी शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं होती। ऋषि दधीच जी, सबके साथ रहते हुए भी किसी का मोह न करना, ये भी तो वैराग्य हो सकता है प्रजापति। विवाह के नियमों का पालन करना किंतु माया में न उलझना, अहम भाव को दूर रखते हुए अपने धर्म की पूर्ति करना, ये वैराग्य के रूप ही तो है। यदि कोई विवाहित जीवन की इस परिभाषा को अपना ले तो वैराग्य और विवाह एक दूसरे के पूरक अवश्य बन सकते हैं और यही सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ विवाह का उदाहरण बन जाएगा। मैं जो कहता हूं उसका पालन भी करता हूं।